हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो मैं आज लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। ये मेरी एक कटोरी साबूदाना है। आज मैं इससे कुछ नया बनाने वाली हूँ, बिना भिगोए एकदम से। ये मैंने पैन चढ़ाया है गैस पर और ये गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम साबूदाना और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर, अच्छे से चलाते हुए, जब तक करेंगे जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए। और इसको हमें चेंज नहीं करना है कलर, कलर को हम सफ़ेद ही रखेंगे। बस ये हमारा अच्छे से सिक जाए उतना ही करना है। और ये हमारा सिक चुका है तो इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इधर फोड़ लिए हैं मैंने आलू 3 मीडियम साइज़ के। इसकी बनाऊंगी मैं सब्जी। तो इधर मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, ये तेल गर्म हो चुका है, जीरा छोड़ दिया है। और ये मैंने 2 टमाटर पीसे हुए हैं, इनको भी हम अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे, हल्का सा भूनेंगे इनको। ये व्रत वाली सब्जी है। अब आलू डाल देंगे इसमें, एकदम मज़ेदार सब्जी बना करके तैयार करेंगे। ये सेंधा नमक है स्वाद के अनुसार। ये काली मिर्ची, इनको हम अच्छे से करेंगे। ये धनिया पेस्ट है। ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लिया है हमने। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। झोल वाली सब्जी बनाएंगे एकदम से पतली। और ये देखिए, सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इधर हमारे साबूदाना ठंडे हो गए हैं तो हम इसको मिक्सी में डाल कर पीसेंगे। ये देखिए, ढक्कन बंद कर देंगे और इनको खूब बारीक पीसेंगे। और ये हमारे बारीक पीस गए हैं इस तरीके से। इसको हम छान लेंगे। ये हमने छलनी की मदद से छान लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। और इधर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। ध्यान रहे आलू ज़्यादा नहीं डालने, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो 2 आलू काफ़ी हैं। इनको हम करेंगे कद्दूकस अच्छे से, ताकि कोई गुठलिया लम्स ना बने। ये कद्दूकस कर लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची ददरी कुटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ती। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे हम, पूरा मिक्स करेंगे इसको। बाद में पानी डालेंगे ज़रूरत होगी तो। ये थोड़ा सा पानी चाहिए इसमें, तो मैंने कि ये हल्का गर्म पानी किया है वो डाला है गुनगुना। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा अभी टाइट है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखिए, अब फिर से मिक्स करेंगे। और ये हमारा डो बन गया है। इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और हमारी इसको 10 मिनट हो चुकी हैं। ये थोड़ा सा टाइट फिर भी लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये साबूदाना है तो फूलता बहुत है। और ये हमारा एकदम से चिकना हो गया। ये देखिए, 2 भागों में बांट लेंगे इसको, इसकी लोई बनाएंगे और इस तरीके से बेलेंगे। मैंने चिकनाई लगाई हुई है। आप यहाँ सिंघाड़ी के आटे से, कूटू के आटे से, किसी से भी बेल सकती हो लगा के। ये देखिए, इस तरीके से बड़ा कर लिया है। आप चाहो तो और बड़ा कर सकते हो। और मैं ये कटोरी ली है, इसकी मदद से काटूंगी। इससे ना जल्दी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके से है ना, बहुत फायदे, बहुत ही ईजी। और ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी पूड़ी बन करके तैयार हुई है। पतली नहीं रखनी है ज़्यादा, इसी तरीके से मोटी करनी है। आप ऐसे भी बना सकते हो, छोटी छोटी, आपकी मर्ज़ी है। काटो या ना काटो, ऐसे ही सेक लेना। और इधर हमारी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। उधर चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई, तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब पूड़ियाँ छोड़ देंगे। ये देखिए, एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी करारी पूड़ियाँ बनाएंगे। वो आपके ऊपर है, मुझे तो करारी करारी अच्छी लगती हैं, तो मैं करारी ही बनाऊंगी। और ये देखिए, अपने आप आ गई हैं फूल के ऊपर और अच्छे से सिक भी गई हैं। अब निकाल लेते हैं इनको। तो ये लीजिए, हमारा व्रत वाला खाना बन करके तैयार है। ये खीरा का रायता, आलू की सब्जी और साबूदाना पूड़ियाँ।
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यहाँ मैं बता देती हूँ। और ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है और आराम से क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही है। और ये देखिए व्रत वाली थाली तैयार है, आराम से खाइए, इंजॉय कीजिए।